केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को सागर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि थे। प्रेस वार्ता में खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत के अलावा सागर तथा नरयावली विधायकों सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस प्रेस वार्ता का आयोजन शहर के जिला भाजपा कार्यालय में किया गया। प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक तथा CAA जैसे महत्वपूर्ण फैसले आए। CAA को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को समझ आ गया होगा कि CAA क्यों जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने 8 जून से खुलने जा रहे धर्मस्थलों को लेकर कहा कि लोगों को अभी शासकीय नियमों का पालन करना चाहिए। अभी लोग जितने सतर्क होंगे कोरोना महामारी को हराना उतना सरल होगा। कोरोना महामारी से निपटने केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने सीमित संसाधनों के बाद भी इस महामारी की चुनौती का सामना किया है और स्थानीय मजदूरों के भरोसे आधे से थोड़े दिन ज्यादा दिनों में लगभग 2 महीने का प्रोमेंट होता था, इस बार वो 42 दिन में पूरा हुआ। मुझे लगता है कि ये जो चुनौतियां जब सामने आती है तो हम कैसे उसके साथ मुकाबला करके सफल होते हैं, ये भारत के जनमानस ने देश के सामने प्रस्तुत किया है और उसके पीछे का कोई प्रेरणा है वो देश के प्रधानमंत्री की प्रेरणा है और इसके 2020 का वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष है। कुछ लोग उसे 0 ईयर के रूप में देख रहे हैं और कुछ लोग उसको परीक्षा के वर्ष के रूप में देख रहे हैं। मैं दोनों बातों को ध्यान में रखकर कह सकता हूँ, कुछ 0 ईयर हो या परीक्षा का वर्ष हो, हमारा नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व, उसने उन दोनों परिस्थितियों से पार पाके इस पर विजय प्राप्त किया।